सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक संस्था की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप क्लास 12 का सॉल्यूशन लेसन पढ़ रहे थे विलियन, और उस सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आप लोगों को मैंने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या मैं कह सकता हूं विलियन की सांद्रताओं के बारे में बताया था। उस विलियनों की सांद्रताओं के बाद में आप लोगों को न्यूमेरिकल बताए, और आज थोड़ा सा नया टॉपिक आता है अपने पास में सोल्युबिलिटी या विलेयता, ठीक है। तो मैं एक बच्चे को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। इच्छिता आवाज आ रही बेटा, अनम्यूट करो। यस सर। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या अपने पास में है, सोल्युबिलिटी या विलेयता, क्या बताया बेटा? सोल्युबिलिटी या विलेयता। अच्छा, तो सोल्युबिलिटी या विलेयता का मतलब है क्या, अपन इस चीज को थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। yes, आज का जो पॉइंट है वो आप लोगों को क्या है, विलेयता, ठीक है। yes, अब इस विलेयता टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं एक एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बिल्कुल बी फ्रेंक होकर के सभी समझें, ठीक है ना, तो वो एक्टिविटी किस प्रकार से है। तो आपको ये बताओ, सबसे पहले मेरी पूरी फोटो नजर आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, ठीक है। आयुष अनम्यूट करो आप अपने आप को, मुस्कान के पास ऑप्शन। मुस्कान। यस सर। अच्छा, अनम्यूट कर लो। बाबूजी आप कुछ कहना चाह रहे हो क्या? बाबूजी आपको ऑप्शन दे दिया मैंने। सर ये 2037 है ना, वीरो इसको ना नाम चेंज कराओगे कौन? 2037 अभी लो ना। क्या लगा बेटा? कमरे के ताप के सम्मान, ठीक है। इसका मतलब है इस बीकर में उपस्थित पानी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, राइट? यस सर। अच्छा, और ये बताओ अब ये जो पानी की मात्रा ली है वो निश्चित है या पानी की मात्रा बदल रही है? निश्चित। निश्चित है, पानी की मात्रा भी निश्चित होगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। टेम्परेचर निश्चित है और पानी है उसका आयतन भी निश्चित है, अर्थात विलायक का आयतन निश्चित, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी और एक्टिविटी करता हूँ। अब मेरे हाथ में ये एक वापस से कटोरी है, दिखाई दे रही है? यस सर। इस कटोरी के अंदर बेटा एक पदार्थ और ले लिया मैंने, ठीक, और वो फिलहाल क्या है कि महंगी चीज ना लेकर सस्ती ले ली मैंने, वो ले लिया आपका मिट्टी, ले ली क्या? ले ली मिट्टी। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो बीकर में क्या ले लिया? पानी। पानी ले लिया, उसके बाद में दूसरे हाथ में क्या है मेरे? कटोरी। कटोरी है। अच्छा, अब अपन क्या करें, इस कटोरी में मिट्टी है बेटा, देखो ये इस चम्मच की सहायता से ये चम्मच ले ली, ठीक है। यस सर। अच्छा, और ये क्या कर रहा हूं, इसको, इस पदार्थ को, दैट मीन्स मिट्टी को किसमें डाल रहा हूँ बताना, दिखा? बीकर में। बीकर में, बट बीकर है उसके अंदर पानी निश्चित लिया है या पानी बार बार चेंज कर रहा हूँ? निश्चित। निश्चित है, लेकिन मिट्टी की मात्रा एक चम्मच डाल दी? यस सर। अच्छा, अब कितने चम्मच डाल दी? दो। इसकी मात्रा चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? यस सर। लेकिन पानी की मात्रा कोई चेंज की है क्या? नो सर। अच्छा, और ये सारी प्रक्रिया कमरे के ताप पे हो रही है, कहाँ हो रही है? कमरे के ताप पर हो रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ? नो सर। अच्छा, अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें और मिट्टी डाल रहा हूँ, देखो ये डालता जा रहा हूँ, है ना? यस सर। ठीक है, तो मिट्टी की मात्रा तो शायद मेरे हिसाब से बदल रही है, राइट? यस सर। अच्छा, और पानी की मात्रा क्या थी? निश्चित। निश्चित थी, मैं डालता गया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि बताओ अब इसमें मैं फिलहाल और मिट्टी डाल पाऊंगा कि नहीं डाल पाऊंगा? थोड़ी सी डाल दो।
अच्छा वो डाल दो, इसका मतलब फिलहाल लिक्विड फॉर्म में है ना। यस सर। आपने कह दिया हमने ओ डाल दी बेटा, ले ले ओ डाल दी, डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, इसका मतलब अभी ओ डाल रहा हूं तो ये भूखा है दाब गया। भूखा है। भूखा है। संतृप्त है या असंतृप्त है? असंतृप्त है, बहुत अच्छी बात बताई है ना। अब मैंने ओ डाल दी इसमें, अच्छा ये डालता गया डालता गया, ठीक ना। तो ये बेटा मैं मिट्टी की मात्रा इसमें, इसका मतलब मिट्टी की मात्रा तो परिवर्तनशील होगी, होगी कि नहीं होगी? यस सर। ये डाल दे बेटा। अब ये बताओ मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, देखो ये अब मिट्टी पानी मेरे इस पे लैपटॉप पे आके पड़ गए कि नहीं पड़े? नो सर। इसका मतलब है ये आपस में बिल्कुल संतृप्त हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। अच्छा अब इसमें और मात्रा मिट्टी की डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? नो सर। अच्छा क्यों? क्योंकि डालेंगे तो वो आपस से बाहर पड़ जाएगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ जाएगी, क्योंकि घुली नहीं पाएगी, राइट? यस सर। अच्छा अब ये बताओ यहाँ पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है या परिवर्तनशील है? कॉन्स्टेंट। अच्छा पानी की मात्रा निश्चित थी या अनिश्चित थी? निश्चित। और उसमें अपने पास में मैं मिट्टी डालता जा रहा था, नहीं डाल रहा था? यस सर। अच्छा तो यहाँ से मैं डेफिनेशन निकाल दूं विलयता की? यस सर। विलयता का मतलब देसी भाषा में क्या होता है? घुलना होता है। क्या होता है बेटा? घुलना। घुलना होता है, क्लियर। अच्छा अब इसको मैं परिभाषा दे रहा हूँ केमिस्ट्री के हिसाब से। किसके हिसाब से? केमिस्ट्री के हिसाब से। अब इसको रिप्रेजेंट कर दूं? यस सर। चलो तो भाई मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ ना, क्या बोलना चाह रहा था आपका। तो आप लोगों की यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आई, और वो डेफिनेशन क्या निकली है मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ बेटा। ये बताओ ये सारी की सारी प्रक्रिया किस ताप पर हो रही है गुड़िया? रूम के ताप पर। रूम ताप। रूम टेम्परेचर का मतलब कौन सा ताप बोल दूं मैं? स्थिर ताप। अच्छा और ये बताओ अपने पास में पानी की मात्रा निश्चित थी या बदल रही थी? निश्चित। अच्छा तो मैं कह दूं कि अपने पास में स्थिर ताप पर, किस ताप पर? स्थिर ताप पर। लाओ लिख दिया मैंने स्थिर ताप पर। किस आयतन में, निश्चित में या परिवर्तनशील में? निश्चित आयतन में। और निश्चित आयतन के विलायक में, बोलना पूरी परिभाषा फिलहाल क्या लिख दिया? स्थिर ताप पर निश्चित आयतन के विलायक में। अच्छा अब मैंने इसमें क्या डाल दी? मिट्टी डाल दी ना? यस सर। इसका मतलब घुले हुए किसकी मात्रा? विलय की मात्रा। अच्छा विलय की मात्रा, लेकिन अधिकतम कितनी डाली? मिट्टी डालता गया जब तक तो घुलती जा रही, राइट? यस सर। तो विलय की कौन सी मात्रा? अधिकतम मात्रा। अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? विलयता। विलयता कहलाएगी, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ से परिभाषा आ गई कि नहीं आई? यस सर। बोलना एक बार वापस से क्या लिख दिया मैंने? स्थिर ताप पर निश्चित आयतन के विलायक के घुले हुए विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। कि सर स्थिर ताप है उसके ऊपर निश्चित आयतन के विलायक में जो विलय पदार्थ की जो मात्रा अधिकतम घोली है तो वो क्या कहलाती है? विलयता या सोल्युबिलिटी कहलाती है। तो विलयता की परिभाषा में कोई दिक्कत है तो बताओ फिलहाल? नो सर। नहीं है। आप बेटा अपने आप को म्यूट करो। अच्छा अब अपने पास में मनीष बताओ, समझ में आया भाई? यस सर। ठीक है यहाँ तक टू पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा भारती अपने आप को कॉन्स्टेंट करो बेटा, एक माइंड की कंसंट्रेशन बढ़ा दो ना। अब उसी के साथ थोड़ा सा टॉपिक और आगे चलता हूँ। अब देखो इस विलयता को तीन प्रकार से समझाएंगे, ठीक है? नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन, ठीक भैया? तो सबसे पहले जो पॉइंट लूंगा मैं वो लूंगा ठोस की, दूसरा पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा गैस की, और तीसरा पॉइंट समझाऊंगा बेटा किसकी? द्रव की, ठीक है ना? आप भी म्यूट करो, है ना? अच्छा सचिन क्या क्या पॉइंट है? पहला
सचिन अर्जुन सिंह सर पहला है ठोस की, दूसरा है गैस नहीं रुको की, नहीं, है नहीं, नहीं 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 रुक जाओ पूरा पढ़ो। ठोस की द्रव में विलयता क्या हो गया? ठोस की द्रव में विलयता। और दूसरा क्या बन जाएगा? गैस की द्रव द्रव में विलयता। और तीसरा पॉइंट द्रव की द्रव में विलयता। हाँ तो इसका मतलब क्या है कि जो तीन टॉपिक है पहले किसकी ठोस की किस में द्रव में। देखो बेटा ये मेरे पास एक बर्तन है तो इस बर्तन में क्या भरा हुआ है? द्रव द्रव। और ये बर्तन है इस बर्तन में भी क्या भरा हुआ है? द्रव। अब आप भी अपने आप को म्यूट करो अभी बनने हो। यस सर। भैया ये बताओ इस बर्तन में भी क्या भर दिया मैंने? द्रव। द्रव भर दिया ठीक है यहाँ तक। अब भैया ये बताओ कि पहले वाला जो केस है इस पहले वाले केस में इस द्रव में किसको मिला दिया? ठोस को। ठोस को। और दूसरे वाले में बताओ किसको मिलाऊं? गैस को। गैस को। और तीसरे वाले में बेटा? द्रव को। द्रव को ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आता है कि अपने पास में ये बताओ यहाँ पर ये जो द्रव है वो विलय है या विलायक है? विलय। विलायक। विलायक। और उसमें किसको घोला गया है? ठोस को। ठोस क्या कहलाया? विलय। अच्छा और इसमें बताओ द्रव क्या है? विलायक। विलायक। और गैस क्या है? विलय। अच्छा ऐसे नीचे बताओ द्रव क्या है? विलायक। विलायक। और ये ऊपर वाला द्रव क्या है? विलय। विलय। बहुत अच्छी बात बताई आप भी म्यूट कर लो। एकता। यस सर। अच्छा बेटा इन सभी में बताओ विलायक की भौतिक अवस्था कैसी है? द्रव है तो आप इनसे जो विलयन बनेगा वो किस अवस्था का बनेगा? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था का बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा अब इसी के अंदर आता हूँ। पहला विलयता का पहला पॉइंट कौन सा है? ठोस की द्रव अवस्था में विलयता। अच्छा तो इसको पढ़े क्या अपन? यस सर। चलो बाकी भी लाइव में आ जाओ भाई। ये नितेश सचिन हरी। तो बेटा अगला जो पॉइंट आता है वो आया आपका किसकी किस में विलयता? ठोस की द्रव में विलयता। ठोसों की द्रव में विलयता। अपन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? विलयता। और विलयता में पहला टॉपिक कौन सा है? ठोसों की द्रव में विलयता। ठोसों की द्रव में विलयता। तो ये बताओ इसमें अपने पास में विलय बराबर क्या लिखूं? ठोस। ठोस। और विलायक क्या लिखूं? द्रव। ये लिख दिया मैंने ठोस विलय होता है और विलायक क्या होता है? द्रव। अच्छा ठोसों की द्रव में विलयता के आधार पर ये तीन प्रकार के विलयन होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के। अभी मैंने आपको समझाया था नंबर एक पहला पहला कहलाया कौन सा विलयन है? संतृप्त विलयन। संतृप्त। तो दूसरा क्या हो जाएगा फिर? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त। और ज्यादा खा लेते हैं तो क्या कहलाएगा फिर वो? अति संतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा बेटा? अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। तो ये बताओ ठोसों की द्रव में विलयता के आधार पर कितने प्रकार के विलयन बताए? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के। कौन कौन से बेटा? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। ठीक है। अच्छा अब आ जाओ अंकिता आप म्यूट कर लो बेटा। यस सर। अच्छा गुड़िया ये बताओ बेटा अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा? विलयता। विलयता। विलयता को कैसे परिभाषित किया? किस ताप पर? स्थिर ताप पर। किस आयतन में?
निश्चित आयतन में। घुले हुए किसकी मात्रा? विलय पदार्थ की। क्या कहलाती थी? विलयता। विलयता। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब उस विलयता में पहला प्रकार कौन सा बताया? ठोस की द्रव में विलयता। अब ठोस की द्रव में विलयता के अंदर अपने पास में विलय कौन है? ठोस। विलायक द्रव। इसमें कितने विलयन बताए? तीन। तीन। अब तक बात समझ में आई? पहला विलयन कौन सा है? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। आप भी अपने आप को सेल्फ म्यूट करो पहले, ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूँ भाई, ठीक है? आयुष विक्की। अच्छा बेटा, आप अपने पास में पहला विलयन कौन सा आया? संतृप्त विलयन। लाओ, तो ये आया संतृप्त विलयन, ठीक है? संतृप्त विलयन का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसा विलयन होता है जिसमें उसी ताप और उसी दाब पर और अधिक विलेय पदार्थों को नहीं घोला जा सकता। उसी ताप और उसी दाब पर और अधिक विलेय पदार्थों, बंद कर दो भाई, नहीं घोला जा सकता। अब जैसे मेरे पास में ये है, थोड़ी देर पहले वापस से मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, कोने में देखना, मेरी फोटो आ रही होगी ना, दिखाई दे रहे भैया? अच्छा, तो ये बताओ, अब इसमें और विलय पदार्थ घोल सकते हैं क्या? नहीं घोल सकते। अगर मैं आपको घोल के भी दिखाऊंगा तो बेटा ये वापस से मिट्टी बाहर पड़ेगी, है ना? चलो मैं डेमो भी कर देता हूँ। ये वापस से विलय पदार्थ और ले लिया, देखो मैंने इसमें डाल दिया है ना, तो डालने के बाद देखो और अधिक मात्रा डालेंगे तो ये पदार्थ वापस से पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। इसका मतलब है ये ज्यादा हो गया या कम रह गया? ज्यादा होगा। तो ये कौन सा विलयन कहलाया बेटा? अति संतृप्त कहलाया। कौन सा कहलाया? अति संतृप्त। कहने का मतलब विलय पदार्थों से और अधिक मात्रा हो गई जो कि घुल नहीं पा रहा, राइट? अच्छा, और फिलहाल जो मेरे पास में ये है, ये वाली कंडीशन कौन सी कहलाई? संतृप्त की कहलाई। जितनी इच्छा थी उतनी अपन ने खा लिया। जैसे अपन कई बार ब्याह शादी में जाते हैं और खाना खाने के बाद कहता तो मजा आ गया भाई, क्या अनुला संतृप्त हो गए, ठीक है ना? मतलब क्या है, जितनी आत्मा में आपकी इच्छा थी भोजन ग्रहण करने की, उसी हिसाब का आपको भोजन मिल गया, उतनी मात्रा में भोजन मिल गया तो आप संतृप्त हो गए, ठीक है? और कई बार सिचुएशन खराब हो जाती है, जैसे मैंने सचिन और अर्जुन सिंह को देखा, ठीक है ना, एक बार जिम बाग लागो दमादम, भाई रुक जा करे कैसा है, गुरु जी एक मिनट रुक जाओ, अभी मैं गयो रायो, मुको कहाँ जा रहे हैं? सर हाइपर हो गया, अति हो गई, मुको अति होगी तो कंट्रोल रख तू, अब अति ने तो बाहर निकाल कर आना पड़ेगा ना। तो बात वही आती है कि ज्यादा है अपने पास में जो उसका अपने पास होल्ड नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो तीन प्रकार के सॉल्यूशन बताए, एक है असंतृप्त, एक संतृप्त और एक अति संतृप्त। असंतृप्त का मतलब है कई बार भोजन पसंद नहीं आया तो आपको भूखा भी आना पड़ जाए तो वह असंतृप्त कहलाया, ठीक है? क्योंकि विलय पदार्थ आपने भोजन को अपने पेट में डाला लेकिन मात्रा कम डाली तो भूखे रह गए, और संतुष्ट के हिसाब से डाली तो धाप गए, और ज्यादा डाल दी तो मेरे हिसाब से एसिडिटी हो जाती है, ओवर डाइटिंग हो जाती है, ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला, तीन प्रकार के सॉल्यूशन है। पहला बोला कौन सा वाला विलयन भैया? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब मैं आपको लिख सकता हूं कि एक ऐसा विलयन है जिसमें उसी ताप और दाब पर, एक ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप और और अधिक विलय पदार्थ घोल सकते हैं कि नहीं घोल सकते? और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है, जितने घोलने थे बस उतना घोल दिया, तो ये वाला सॉल्यूशन क्या कहलाया आपका? संतृप्त। संतृप्त कहलाया। यहां तक बात समझ में आएगी कि नहीं आई? अगर मैं इसी संतृप्त के आगे बेटा ए लगा देता हूं, असंतृप्त, तो बताओ और अधिक विलय पदार्थ नहीं घोला जा सकता या घोला जा सकता है? घोला जा सकता है। समझ गए नहीं समझे? समझ
वो क्या कहलाएगा अपने पास में असंतृप्त, क्या कहलाएगा असंतृप्त। अच्छा, और अति संतृप्त का मतलब क्या बोल दोगे कि संतृप्त विलयन से भी और अधिक मात्रा में विलय पदार्थ घोले जाए तो क्या कहलाएंगे अति संतृप्त। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई सर? ठीक है, थोड़ा सा और आगे रन करता हूं ना। आता है आपका वो अगला पॉइंट, मैं बता रहा हूं विलीनीकरण क्या है बेटा। विलीनीकरण, विलीनीकरण को देसी भाषा में क्या बोलते हैं? घुलना। घुलना, इसका मतलब है विलय का किस में घुलना? विलायक में। विलायक में घुलना। तो ये बताओ अपने पास में ये एक पूरा का पूरा क्या ले लिया? पानी, पात्र ले लिया। पात्र। अच्छा, इस पात्र में आपने क्या डाल दिया? विलायक। विलायक, और इस विलायक है, उस विलायक में आपने क्या डाल दिया? विलेय। विलेय पदार्थ कैसी अवस्था का? ठोस अवस्था का। अच्छा, किस में डाल दिया? विलायक में। तो विलायक में जब डालेंगे तो ये बताओ कि अपने पास में ये कौन से पदार्थ घुलेंगे? विलेय पदार्थ। तो विलेय पदार्थ घुल जाएंगे। तो ये बताओ विलेय को किस में डाला? विलायक में। तो क्या बन गया? विलयन। अच्छा, अब विलयन की सांद्रता में क्या हो गया? वृद्धि। वृद्धि हो गई, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? विलीनीकरण। तो विलीनीकरण का मतलब क्या बताया मैंने कि एक ठोस को विलायक में मिलाया जाता है तो ये कुछ विलय इसमें घुल जाते हैं और विलयन की सांद्रता बढ़ जाती है। ये घटना क्या कहलाई? विलीनीकरण। अच्छा, एक शब्द आया कौन सा? क्रिस्टलीकरण। क्या आया? क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण। अच्छा, तो ये बताओ क्रिस्टलीकरण में बताया ये कौन अपने पास में? विलयन। विलयन में क्या क्या मिलेगा? विलय और विलायक। अच्छा, तो ये विलायक के कण किस में गमन करेंगे? विलायक में। विलायक में गमन करेंगे तो ये विलायक के कण आपस में लड़ाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। तो विलायक के कण आपस में, ये बताओ विलायक के कण किस में गमन कर रहे हैं? विलायक में। अच्छा, तो जो विलायक में गमन कर रहे हैं तो ये कण आपस में क्या करेंगे? टक्कर। टक्कर करेंगे। जब टक्कर करेंगे तो इनके कण आपस में क्या हो जाएंगे? पैंदे में जमा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पैंदे में जमा हो जाएंगे। अच्छा, पृथक हो जाएंगे। तो पैंदे में जमा होना या पृथक होना ही क्या कहलाएगा? क्रिस्टलीकरण। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, अब अगला पॉइंट आता है बेटा। अगला पॉइंट क्या आता है? ठोसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो मैं एक बार आपको समरी दे देता हूँ। मैं बता रहा था कौन सा पॉइंट? विलयता। विलयता में पहला पॉइंट कौन सा बता रहा था? ठोसों का द्रव में विलयता। ठोसों की द्रव में विलयता। अच्छा, ठोसों की द्रव में विलयता के बाद में इसमें दो, एक तो कौन कौन सा विलयन बताया था? संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अच्छा, उसके बाद में फिर आपको कौन से शब्द बताए? विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण। विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण, राइट? यस सर। अच्छा, अब अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक अपने क्या पढ़ेंगे? ठोस की द्रव में विलयता को क्या करने वाले? प्रभावित। प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब इसको अपन पढ़ते हैं भाई, है ना।